ओम वंदे मातरम। मित्रों, मतलब के सब यार हैं, मतलब की यारी है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है, यानी कि जब तक किसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक लोग संबंध रखते हैं, और जहां वो मतलब या स्वार्थ ख़त्म हो जाता है उसके बाद संबंध तोड़ने में लोगों को अधिक रुचि हो जाती है। उनको लगता है क्यों इस संबंध को बनाए रखना, और कहीं और उनका मतलब सिद्ध होने लग जाता है तो वो वहाँ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो लोग आरोप लगाते हैं, और कई बार ये होता है कि वो आरोप मिथ्या यानी कि झूठे होते हैं, और जिन पर आरोप लग रहा होता है ना वो व्यक्ति कई बार इस तरह से कष्ट में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि क्यों ये ऐसे आरोप लगा रहे, हम तो ऐसे नहीं हैं, पर इनके दिमाग में ऐसी बात क्यों आ रही है, क्यों हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मित्रों, आज इस विषय को आपको बहुत आसानी से समझा दूंगी मैं, कि मुझे आज समझाना है आपको कि ऐसी अवस्था में लोग कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, अपने मुंह में उलझे होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, जिससे ऐसे वाहियात लोगों का वो मोह नहीं छोड़ पाते और उनको लगता है कैसे भी संबंध बच जाए। किंतु जब मिथ्या आरोप की बात आ गई है, झूठे आरोप लगने लगे हैं, तो ये संबंध अब बचने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई और व्यक्ति आ चुकी है, या अब आपका उससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है और उसको कहीं और जाना है, इसलिए अब वो आप पर आरोप लगाएंगे ही। अब आपको करना क्या है उस बात को समझ लीजिए। जब कोई आप पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है, तो आपको भले वो कितना भी बुरा लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, आप शांति से बैठकर जितनी देर वो आरोप लगाते रहें उतनी देर आप शांति से बैठकर सुन लीजिए। क्योंकि आप बोलेंगे वो बात उनको समझनी नहीं है और ना वो समझेंगे, क्योंकि उनको आपको छोड़ के जाना है। अब जब वो आरोप लगाएं, सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए कि क्या क्या कहा है। इससे क्या होगा, इससे एक बड़ा लाभ होगा आपको, उस व्यक्ति की जो आप पर आरोप लगा रही ना, उसकी मानसिकता पता चलेगी, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी, उसकी समझ कैसी है, उसके आपके बारे में विचार कैसे, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी। और ये ऐसी स्थिति होगी मित्रों कि यहाँ आपके गुण भी आपके दोष के रूप में आपके सामने वो व्यक्ति रख देगा जो आप पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। क्योंकि अभी उसको आपको छोड़ के जाना है तो आपके गुण भी दोष बन जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं, सही हैं, तब मैं आपको ये अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। अब क्या करना है आपको, जब आपने उसकी मानसिकता समझ ली, उस व्यक्ति की जो आप पे आरोप लगा रही है, उसकी सोच आपको पता चल गई है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप मरे जा रहे हैं, जिसके मुंह में आप फंसे जा रहे हैं, और जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि काश ये बच जाए, हमारा संबंध बच जाए, वो आपके लिए अब है ही नहीं, वो अब आपसे मुक्त होना चाहते हैं और आप बलपूर्वक उनसे बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपना मोह नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो पहले उस व्यक्ति की मानसिकता समझिए कि उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी बदल चुकी है। यदि आप उसकी सोच और मानसिकता समझ लेंगे, तो ऐसी सोच जो हो सकता है कब जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ी थी उसकी सोच बहुत अच्छी रही हो, किंतु समय के साथ मनुष्य परिवर्तित होता है और स्वार्थ के साथ सोच समझ सब कुछ बदल जाती है, और ऐसी अवस्था में आपके गुण भी दोष बन जाते हैं, और आप जितनी अधिक केयर करेंगे ना उतने अधिक आरोप आपको सहने पड़ेंगे। क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं रहे हो, तो स्वाभाविक है ये होना ही होगा। मित्रों, एक देशी कहावत है, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। इसलिए आपके कितने भी अच्छे गुण होने दो, वह किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसको अब कोई गधी या कुछ वैसी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के मोह जाल में फंसने की अपेक्षा उनको अपने पास से जाने दीजिए, ताकि आप पर जो आरोप लग रहे हैं और जो आपके मस्तिष्क में बर्डन पड़ा हुआ है, उससे आप अपने आप को मुक्त रख सकें। क्योंकि ये उसके लिए कष्ट का विषय उतना नहीं है, कि वो तो कहीं और व्यस्त है, पर आपके लिए बहुत अधिक कष्ट का विषय है। आप अपने आप को बहुत अधिक पीड़ा दे रहे हैं, उस पीड़ा से यदि आपको बचना है तो ऐसे व्यक्ति को जाने दीजिए। जितनी जल्दी आप इनके मुंह से मुक्त हो जाएंगे, जितनी जल्दी इनकी सच्चाई समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को नॉर्मल कर पाएंगे। क्योंकि आपका जीवन अभी चल रहा है और ईश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, तो शक्ति का प्रयोग करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। उसके कारण डिप्रेशन में मत जाइए, उसके कारण अपने आप को नष्ट मत करिए, क्योंकि आपका जीवन स्वतंत्र है। तो और ऐसे बंध से उसका मुक्त हो जाना अधिक उत्तम है। और आपके विचारों को और विस्तार से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दाम्पत्य जीवन, बच्चे नहीं हैं हम, उसके अलावा फालतू विचार, मुक्ति और मेरे जीवन के अनुभव जैसी प्लेलिस्ट मैंने दी हैं। आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपको बहुत कुछ और समझ में आने वाला है और ये वीडियो हमारी फालतू विचार मुक्ति का हिस्सा बनेगा। तो आप अपने आप को ऐसे वाहियात लोगों से मुक्त करिए ताकि आपका जीवन स्वच्छ और स्वस्थ हो सके, ये आप निर्णय करेंगे। करिए, आगे बढ़िए, जीवन आपके लिए बहुत कुछ चाहता है। बस आप ऐसे फालतू के लोगों को अपने जीवन से हटा देंगे तो आपके लिए भी संसार के बहुत कुछ करने के दरवाजे खुले हुए हैं। निर्णय करिए, आगे बढ़िए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का नंबर है, लिंक दिए हैं सारे, आप हमें फॉलो करिए। हम वहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।